हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करते हैं बवासीर की। इंडिया जैसे कंट्री में बवासीर की भरमार है, बच्चा बच्चा बवासीर से परेशान है। लेकिन ये बात आपको माननी ही होगी, ये हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। हम कितना भागते हैं, कितना काम करते हैं, कैसा खाना खाते हैं, कैसे जी रहे हैं। बवासीर आपकी बेपरवाही से, लापरवाही से, आपकी गलतियों से ही होती है। अदरवाइज बवासीर कोई बीमारी नहीं, भी ये नहीं करोगे बवासीर हो जाएगी। हम दिन में 2 गिलास पानी पी रहे हैं, जहाँ के 10 गिलास पानी पीना चाहिए। हम मसाले खा रहे हैं, हरी मिर्ची खा रहे हैं, सारा दिन बैठे रहते हैं। लेटरिन पास होती है तो भी हम नेचुरली विंड पास करते रहते हैं, उठ के लेटरिन पास करने नहीं जाते। नशे वाली चीज़ें अवॉइड करें। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक नॉन वेज, नशे और हरी मिर्ची, ये मूल मंत्र है बीमारी का कारण जो है। इसलिए इन चीज़ों से अवॉइड करें। ऐसे कारणों से बवासीर होती है। बवासीर सिंपली 2 किस्म की होती है। एक खूनी बवासीर होती है, जिसमें आदमी को अंदर से थोड़े थोड़े जख्म हो जाते हैं, मसों में उस रास्ते से खून आता है। जब भी आदमी लेटर में जोर लगाता है, नाजुक अंग है, वो अंग ऐसा ही है जैसे हमारी आँख है, वो मांस अंदर का ऐसा ही है। कई लोगों को खून नहीं आता तो हर आदमी के एनल में, गुदा के अंदर मस्से होते हैं। जब वो जोर लगाता है, वो मस्से फोड़ों की तरह बाहर आ जाते हैं। वो इतने बाहर आ जाते हैं, कई दफ़ा तो आदमी को उंगली से वो अंदर करने पड़ते हैं। जी देखिए, वैसे तो बवासीर के लिए एज ग्रुप की कोई बात नहीं है। आजकल आप बच्चे देखते हैं, बच्चे भी 3 दिन में लेटर नहीं आते। पर फिर भी हम देखें तो जवानी के पहर के बाद, यानी कि 42-44 साल की उम्र के बाद लोगों को बवासीर, जिसको अर्श भी कहते हैं, फिस्चूला भी कहते हैं, इसकी टाइप थोड़ी थोड़ी बदली जाती है। किसी में खून आता है, किसी में अंदर जख्म बाहर हो जाते हैं, किसी में लेटरिन करते हुए गुदा ही बाहर आ जाती है। फिस्चूला बोलते हैं, फिशर बोलते हैं, पाइल्स बोलते हैं, बवासीर बोलते हैं, अर्श बोलते हैं, कई नाम रखे हैं अलग अलग ज़बानों में अलग अलग लोगों ने इसके। जी देखिए, कब्ज़ के लिए आदमी को रूटीन में पता चलता रहता है, ये पक्की बात है। जब वो लेटरिन जाता है, आधा घंटा बैठा रहता है, जोर लगाता रहता है, हर बार ऐसा होता है, तो उसको बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इसके लिए सीधा उसको डॉक्टर को मिलना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट, जो भी आपका डॉक्टर है, जो आपका विश्वसनीय डॉक्टर है, उसके पास जाइए और अपना उसका ट्रीटमेंट लीजिए। मैंने तो अपनी प्रैक्टिस में जो बवासीर का इलाज लोग नहीं करवाते और 4-4 दिन 5-5 दिन लेटरिन नहीं जाते, ऐसे देखे वो कैंसर के पेशेंट भी बन गए। क्यों? गंदगी आपके अंदर सड़ रही है, कूड़ा अंदर सड़ रहा है, तो उससे कुछ तो हो गई ना। जैसे हम पान, जर्दा, तंबाकू खाते हैं, मुंह में हर वक्त रखते हैं, देखते हैं ना, माउथ कैंसर हो जाता है। ऐसी बवासीर की बीमारियां होती हैं। इसलिए छोटी सी बीमारी है, इसको बड़ी रखना या छोटी रखना आपके बस में है। आपको शरीर में कोई भी तकलीफ आती है तो उसका इलाज आपको फौरन करवाना चाहिए। जो लोग 5-5 दिन लेटर नहीं जाते, परवाह नहीं करते, पेट भी खराब रहता है, मन भी कच्चा है, कई दफ़ा उल्टी भी आती है, गुस्सा आता है, फिर हालात बदल जाते हैं सारे, वो होती सिर्फ वो कब्ज़ है। कब्ज़ ही का ही दूसरा क्रोनिक बीमारी का नाम है बवासीर, जो शारीरिक तौर पर अपने असर छोड़ती है। किसी की फोड़ा फुंसी हो गया, किसी को खुजली हो गई, किसी को खून लेटरिन करते हुए पेशाब आ रहा है, किसी को लेटरिन पास नहीं हो रही, ये दिक्कतें आती हैं। और इसका सेक्स से भी सीधा संबंध है, क्योंकि पेट के नीचे का एरिया है जहाँ हमारे प्राइवेट पार्ट भी है और गुदा भी है, मतलब जो स्टूल पास करने का रास्ता है वो भी वही है। अगर वहाँ कब्ज रहेगी तो आपको हल्का हल्का बैक साइड बोन पे, बैक साइड पे, हिप की तरफ दर्द होगा, स्टूल पास नहीं होगी, आपकी तबीयत खुश नहीं रहेगी, उसमें भी आप सेक्सुअल लाइफ में एंजॉय नहीं कर पाएंगे। औरतें तो बिल्कुल ही नहीं कर पाती, मना कर देती हैं, मेरे दर्द हो रहा है जी, मेरा पेट खराब है जी, वो बहानेबाजी शुरू हो जाती है। इसी कारण से एक दूसरे का आप ख्याल रखें। ऐसे पति को है, अगर हमारा नाखून भी दुखने लग जाता है बवासीर को छोड़िए, तो भी हम अपना लव नहीं कर पाते, संभोग नहीं कर पाते। इसलिए हमें कंफर्टेबल रहना चाहिए, निरोग रहने की कोशिश करनी चाहिए। और एक विशेष बात औरतों के लिए, औरतों के जब पेट में बच्चा आता है और वजन पड़ता है नीचे के एरिए में, हमेशा आप देखिए इंडिया में, तो आप सच मानिए 70% औरतों को बवासीर है। उनके प्रेशर इतना पड़ता है, बच्चा देते हुए भी प्रेशर पड़ता है, प्रेगनेंसी का बोझ झेलते हुए भी प्रेशर पड़ता है, तो उनकी गुदा के ऊपर जो मस्से हैं बाहर आ जाते हैं। हमेशा आप देखोगे मस्सों वाली बवासीर औरतों में आमतौर पर आ जाती है। इसलिए उनको भी ज़रूरत है हल्का फुल्का खाएँ प्रेगनेंसी में, कब्ज ना होने दें, डॉक्टर की राय लेती रहें तो अच्छा रहेगा। बवासीर का मतलब है आपको लेटरिन मौके पर ना आनी, लेटरिन रोज़ाना दिन में 1-2 बार पास ना होनी, यानी कि कब्ज हो जानी। उसका सबसे बड़ा अच्छा तरीका ये है कि आप कब्ज ना होने दें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, दिन में 1-2 बार
कोई सूप पिए, फलों का रस लें, 20-30 ग्राम गुड़ खाइए, एक गिलास दो गिलास पानी के पीजिए, सैर करने जाइए, खाना खाने से आधा पौना घंटा पहले पानी का गिलास पिए, रात को भी घर गए कोई सलाद खाओ, प्लेट भर के आप एक आधी रोटी खाओ, रात का खाना है आप सोने से 3-4 घंटे पहले खाओ। आजकल पब्लिक का क्या है, 9 बजे 10 बजे 11 बजे खाना खा रहे हैं, फिर सो जाते हैं, खाना पचता ही नहीं, हजम ही नहीं होता। तो जरूरत है इसमें अपनी पाचन क्रिया को हल्का फुल्का रखने की और कब्ज ना होने देने की। कब्ज कैसे नहीं हो, फाइबर छिलके वाली चीज़ें ज़्यादा लीजिए, हरी सब्जियाँ, फल फ्रूट है ना, तरबूज, खरबूजा, अंगूर, अनार, फलियाँ, गोभी, सब चीज़ें ऐसी खूब लेनी चाहिए और दिन में 10-12 गिलास हर आदमी को पानी के पीने चाहिए। अगर आप कोई लेबर का काम करते हैं तो पानी ज़्यादा भी पीना चाहिए, मिल सके तो दिन में 2 बार गर्म दूध पिए, रात को खाना खाइए, आध घंटा घूमने जाइए, छिलके वाली चीज़ें शुरू करिए। जैसे दालें खा रहे हैं आप, दालें आप धुली हुई दालें नहीं खाएं, आप छिलके वाली दालें खाएं, आप किसी भी दाल को रात को 2 दिन भगो दो, सुबह अंकुरित करके खाएं, आपको मज़ा आ जाएगा, आपको कब्ज नहीं होगी। आप रात को खाना खाने से पहले 200-300 ग्राम सलाद खा लीजिए, आपको कब्ज नहीं होगी। दिन में 7-8 किलोमीटर डेली डेफिनेटली पैदल चलिए, आपको कब्ज नहीं होगी। इस तरीके से आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। गुड़ शक्कर खाइए, चीनी जहाँ तक हो अवॉइड करें, तली हुई चीज़ें जहाँ तक अवॉइड करें। अगर आपको 3 दिन से लेटर नहीं आ रही ऐसी कोई नीत है तो आप अपने नज़दीक के डॉक्टर वैद हकीम के पास जाइए, तो आपको अनीमा करवा लेना चाहिए। वो थोड़ी सी नलकी आपकी गुदा के अंदर लगाएगा, अंदर साबुन वाला पानी छोड़ देगा, आपको लेटर खुल के आ जाएगी। हफ्ते में 1-2 बार आप ऐसे करवा सकते हैं। फिर भी आपको अपने लाइफ स्टाइल में लगता है नहीं ठीक हो रहा, आपने सब कुछ करके देख लिया, तो आप हमारी सेवाएं ले सकते हैं, किसी भी डॉक्टर की राय ले सकते हैं और इलाज करवा सकते हैं। ये बवासीर की तकलीफ जो है, एक्चुअली ये अपने आप में बीमारी नहीं है, ये हमारे अपने ही तोते पाले हुए हैं बीमारी के, जो हम पाल लेते हैं। क्यों? बदपरहेजी और लापरवाही। जहाँ ये होगी, चलो हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ऐसा होता ही है, तो ये लापरवाही हमें खराब करती है। मैं डॉक्टर अशोक गुप्ता, अशोक क्लिनिक दिल्ली से। ऐसे ही भरपूर जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर भी अशोक क्लिनिक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अशोक क्लिनिक पीतमपुरा दिल्ली में है, मेट्रो पिलर नंबर 365 के सामने। कभी भी आए, टाइम लेके मिले। आजकल क्लिनिक महामारी के कारण थोड़ा कम समय में खुलता है, 10 बजे से 1 बजे तक। जब भी आपने मिलना है कॉन्टैक्ट करें 9811092140। कॉन्टैक्ट करके ही आप मिलें। आप नहीं मिलना चाहते तो भी कोई बात नहीं, कोई भयंकर बात नहीं, बवासीर है या कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है, तो आप जब मर्जी कॉन्टैक्ट करें और दवाई ऑनलाइन मंगवा लें, सब आपको एडवाइस कर दिया जाएगा। नमस्कार।